हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु वाले अम की मात्रा। ओके, तो कोई भी अक्षर हो उसके ऊपर आपको चंद्रबिंदु की मात्रा करनी हो तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, है ना। देखो इधर क है तो उसके ऊपर आपको चंद्रबिंदु की मात्रा करनी है तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे, है ना। तो देखो इधर उ है, फिर क्या है? उ के ऊपर चंद्रबिंदु किया है तो ऊ, क्या है ये? ऊ। ओके, तो देखो उ, फिर चंद्रबिंदु है एंड ट है, तो कौन सा शब्द बना? ऊंट। तो ऊंट आप लिखो तो ऊंट, उ है उसके ऊपर चंद्रबिंदु ही आता है। ओके, इसलिए ये चंद्रबिंदु वाले शब्द है, है ना। ऊंट वो चंद्रबिंदु वाला शब्द है। फिर है चा प्लस चंद्रबिंदु, चा। ओके, देखो चा प्लस चंद्रबिंदु प्लस द है तो कौन सा शब्द बना? चांद। कौन सा? चांद। आप चा के ऊपर अम की मात्रा नहीं लिख सकते तो आपका वो रॉन्ग होगा, है ना, वो आपका रॉन्ग होगा। इसीलिए आपको चांद के ऊपर, चांद जब आप लिखो तो चा के ऊपर चंद्रबिंदु ही आना चाहिए। ओके, तो देखो फिर आँख है, तो देखो इधर आँख लिखा है तो आँख के ऊपर चंद्रबिंदु आता है ना। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो देखो इधर क के ऊपर चंद्रबिंदु है ना, तो आपको क्या करना है? ऐसे क करना है एंड फिर उसके ऊपर चंद्रबिंदु करना है। वैसे ही ग में है, च में, झ में, त में है, है ना, सारे में चंद्रबिंदु है। तो इधर आपको ट्रेस करके लिखना है एंड इधर आपको खुद लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देन फिर यहाँ पे चंद्रबिंदु वाले कुछ शब्द दिए हैं, है ना। देखो सांप, क्या है ये? सांप। सांप मीन्स की स्नेक। तो सा के ऊपर क्या आया? चंद्रबिंदु आया। फिर क्या है? मुंह। देन दांत, ऊंचा, पूंछ, तो इसके ऊपर चंद्रबिंदु आता है। इधर आपको ट्रेस करके लिखना है एंड इधर आपको खुद लिखना है। देन आंधी, आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको बीच में न, जैसे अब हमें ओम की मात्रा में बोलते थे वैसा ही आएगा, है ना। फांसी, अंगूठी, बांसुरी। ओके, प्रोनाउंस इसका ऐसा ही होगा पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं उसके ऊपर चंद्रबिंदु ही आते हैं, है ना। तो इधर कुछ ऐसे शब्द आपको दिए हैं तो वो आपको रीड करना है एंड अच्छे से लिखना है। तो इधर आपको ट्रेस करके लिखना है एंड इधर आपको खुद लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी नीचे क्या लिखा है कि चंद्रबिंदु वाले की मात्रा हो वैसे शब्दों के नीचे आपको रेखा खींचनी है। अंडरलाइन द वर्ड्स विथ मात्रा अम, मीन्स की चंद्रबिंदु वाला। ओके, तो देखो आज चांदनी रात है तो आज के ऊपर चंद्रबिंदु नहीं है, इधर चांदनी है उसमें चा के ऊपर है चंद्रबिंदु, है ना, इसलिए उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर रात है उसमें चंद्रबिंदु नहीं है। फिर क्या है? झांसी, तो झांसी में झा के ऊपर चंद्रबिंदु है इसलिए इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। झांसी में आंधी, तो आ के ऊपर भी चंद्रबिंदु है इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। झांसी में आंधी चल रही है, बाकी कोई भी में चंद्रबिंदु नहीं है, झांसी में आंधी चल रही है। ओके, तो ये हो गया, आपको चंद्रबिंदु वाले शब्द है वो आपको अच्छे से रीड करने हैं एंड लिखने हैं। ओके, तो अभी हमारी नेक्स्ट मात्रा है अह की मात्रा। क्या? अह की मात्रा। अह वो क्या आता है? लास्ट है आता है ना, अ आ ई ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अह, है ना। अम फिर चंद्रबिंदु वाला अ एंड अह, तो सारी मात्रा हमने पढ़ ली एंड अभी लास्ट मात्रा है अह। तो अह होता है उससे कोई भी शब्द बनता
नहीं है। कोई भी शब्द उससे स्टार्ट होता है, नहीं होता है। अनुस्वार दो बाजू में आप कर दो ऐसे, है ना, ऐसे दो बाजू में कर दो तो इससे कोई शब्द बनता है, नहीं बनता है ना। तो अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ओके, चल तो अह से कोई शब्द नहीं होता है। तो हम पढ़ेंगे अभी अह की मात्रा। तो क्या है इधर, त प्लस अह की मात्रा है। अह मीन्स की दो बाजू में आपको ऐसे पॉइंट करने हैं। तो क्या होता है तह, इसका तह। अह इसको क्या बोलते हैं, अह है ना, तो ह आता है पीछे पीछे। तो त प्लस अह की मात्रा तो क्या होगा तह। तो देखो प्रा प्लस त प्लस अह की मात्रा है प्लस का प्लस ल, तो कौन सा शब्द बना, प्रातः काल, मतलब कि सुबह। प्रातः क्या आपको बोलना है, प्रातः काल। ओके, फिर है दू, द में कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा, बट कौन सा, छोटा उ, प्लस अह की मात्रा है तो दू। तो अभी दू प्लस अह की मात्रा प्लस ख, तो कौन सा शब्द बना, दुख। ओके, दुख। फिर इधर क्या करना है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो देखो इधर क के बाजू में आपको अह की मात्रा करनी है, तो क्या होगा कह, है ना। फिर ग च के बाजू में अह की मात्रा लगाई हुई है, वैसे सारे में आपको अह की मात्रा लगा के लिखना है। तो इधर आपको ट्रेस करना है एंड इधर आपको खुद लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अह अह से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ओके, देखो इधर है बट क्या है ये, देखो न म ह, तो म में क्या लगा, अह की मात्रा लगी है ना, अह की मात्रा लगी हुई है। तो फिर वैसे ही अतः क्या है ये, अतः। फिर पुनः, तो अह से ऐसे अह से स्टार्ट होने वाले ऐसे, इससे ये अह है उससे कोई शब्द नहीं बनता है, बट ये शब्द होते हैं उसमें आ सकते हैं पर इससे कोई भी शब्द नहीं बन सकता है। ओके, देखो इधर न म ह, तो उसमें अह की मात्रा लगी हुई है ना, बट ये अह है उससे कोई शब्द नहीं बनता है। ओके, तो देखो नमः, अतः, पुनः, प्रातः, अंततः, क्या लिखा है, अंततः, अंतः पुर, प्रातः काल, क्रमशः क्या, क्रमशः, साधारणतः आप ह बोलोगे नमः है ना, नमः वैसे। ओके, तो इधर आपको ट्रेस करके लिखना है। ओके, एंड इधर आपको खुद लिखना है। तो पता चल गया कि अह की मात्रा में क्या करना है। ओके, देखो इधर प्रातः है, इधर ये वाले में है ना, तो इधर ऐसे डैश दिया है ना, प करके इधर डैश दिया है, तो इसको प्रा बोलते हैं। एंड ये त के बाजू में अह की मात्रा, तो क्या हुआ प्रातः। ओके, तो ये हो गया अह की मात्रा। फिर क्या है, अह की मात्रा वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचो, अंडरलाइन द वर्ड्स विद मात्रा अह। ओके, तो बाजू में आपको ऐसे अह की मात्रा दिखाई दे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो देखो इधर प्रातः फर्स्ट शब्द है वो अह वाला है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्या है, प्रातः सूरज निकलता है, तो उसमें से कोई भी दूसरा शब्द है वो अह की मात्रा वाला नहीं है। फिर क्या है, प्रातः काल, तो प्रातः में है अह की मात्रा, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर छह, तो छह के बाजू में भी अह की मात्रा है, तो उसके नीचे भी हम अंडरलाइन कर देंगे। बजे उठना,
तो उसमें अह की मात्रा नहीं है। ओके, तो आज हमने कौन सी मात्रा पढ़ी? अम मीन्स की और चंद्रबिंदु वाले अ की एंड अह की मात्रा पढ़ी। ओके, तो बच्चों आपको अच्छे से पहले तो रीड करना है एंड देन आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।